इस पुस्तक के बारे में समालोचना के लिए भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति देवस्वरूप जी से कि वो आए और इस पुस्तक की समालोचना प्रस्तुत करें। संक्षेप में सबसे पहले माननीय सम्माननीय आदरणीय राज्यपाल महोदय को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, हमारे बहुत लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सीपी जोशी साहब, राज्यपाल जी के परिवार के सभी सम्मान्य सदस्य और सभी सम्मानित कुलपतिगण एवं सभी महान भावगण, मेरा सौभाग्य है कि इस अवसर पर इस पुस्तक के बारे में कुछ बोलने का मुझे अवसर मिला। व्यास जी ने कहा कि पुस्तक की समालोचना की जाए, जितना मैंने पढ़ा है तो इसकी समालोचना या आलोचना नहीं की जा सकती, इसकी सिर्फ व्याख्या की जा सकती है, आख्या की जा सकती है, प्रशंसा की जा सकती है, विस्तार से इसके बारे में बताया जा सकता है। ये जो पुस्तक है, दस्तावेज है, ये हमारे माननीय राज्यपाल महोदय की उपलब्धियों का दस्तावेज है और इसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम सबके सामने इस पुस्तक के रूप में, कॉफी टेबल बुक के रूप में लाने के लिए इसके जो लेखक हैं टकनेत साहब और श्री गोविंद जायसवाल जी, वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने राज्यपाल महोदय के व्यक्तित्व को इसमें समाहित करके हमें हमारे समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो एक बार उन दोनों के लिए तालियां आप लोग बजा दीजिए प्लीज। पुनः माननीय राज्यपाल महोदय की इजाज़त से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब मैं इस पुस्तक को देख रहा था और जब जैसा कि जायसवाल साहब ने कहा कि इसमें भिन्न भिन्न जो टॉपिक्स हैं उनमें उनके योगदान को, उनके व्यक्तित्व को समेटने की कोशिश की गई है, तो मैंने ये देखा कि जो सार है वो सार है निरंतरता, वो सार है उनके व्यक्तित्व की विशालता, वो सार है हमारे गवर्नर साहब की क्रिएटिविटी, उनकी उनकी जो सृजनात्मकता। और जैसा कि कहा गया, ये बात सही है कि वो जिससे मिलते हैं उसे या तो अपना बना लेते हैं या उसके हो जाते हैं, ये उनके व्यक्तित्व का अद्भुत पहलू है। तो इसमें जब देखा तो मैंने पाया कि जिस तरह से सामान्य पृष्ठभूमि से हमारे राज्यपाल महोदय ने एक सामान्य से एक राजनीतिक दल के सामान्य से कार्यकर्ता के रूप में अपना जीवन शुरू करते हुए जिन ऊँचाइयों को प्राप्त किया है, जिन जिन पदों को, पदवियों को और सम्मानों को उन्होंने प्राप्त किया है और आज वो हमारे प्रदेश के सम्माननीय राज्यपाल हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा काम है, ये कोई आसान बात नहीं है। ये दर्शाता है कि उनके व्यक्तित्व की निरंतरता, उसमें कंसिस्टेंसी, उसमें उनका संपूर्ण योगदान किसी भी कार्य को करने में कितना रहा होगा। उत्तर प्रदेश में वो विधायिका के सदस्य रहे और मंत्री रहे, भिन्न भिन्न विभागों को उन्होंने शोभित किया, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, राज्यसभा के सांसद रहे और हम सब लोग जानते हैं कि मंत्री रहते हुए उन्होंने जो योगदान किया, जो पुस्तक में कुछ विस्तार से दिया गया है, लेकिन खादी की बात की तो एक दिन में एक करोड़ रुपए की बिक्री हमारे खादी आश्रम से, दिल्ली के खादी आश्रम में हमारे गवर्नर साहब के मंत्री रहते हुई थी। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय जब हम लोग मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे। मैंने ये देखा कि आखिर ऐसा क्या है जो इस बुक में, इस किताब में सबको आकर्षित कर सकता है। तो इसमें दो बातें मुझे दिखी विशेष रूप से। एक तो गवर्नर साहब के व्यक्तित्व के बारे में जो खोजा और पाया गया और देखा गया, वो ये देखा गया कि उन्होंने कहा कि राजनीति सत्ता सुख का नहीं अपितु जन कल्याण का माध्यम है। राजनीति सत्ता सुख का माध्यम नहीं
अपितु जन कल्याण का माध्यम है। आप ये जो पुस्तक देख रहे हैं निमित्त मात्र हूं मैं कलराज मिश्र, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई सिंपल वाक्य नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। और जीवन दर्शन अपने आप में ये दर्शाता है कि किस तरह का उन्होंने दायित्व का निर्वहन, किस तरह का जीवन यापन और किस तरह की भूमिकाएं भिन्न भिन्न स्थितियों और परिस्थितियों में उनका निर्वहन किया है। और राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति के रूप में जो जो जिम्मेदारियां उनको मिली उनमें उन्होंने ये साबित किया कि राजनीति सत्ता या सुख का कारण नहीं बल्कि जनता की सेवा करने का माध्यम है, जो आज भी निरंतर है और चल रहा है। इसी तरह जब मैंने और पढ़ा, काफ़ी इसको जानने की कोशिश की, तो मुझे एक जगह पता चला, सब लोगों का एक एक्सप्रेशन था कि कलराज मिश्र परंपरा एवं प्रगति का मिश्रण। परंपराएं जितनी आवश्यक हैं प्रगति भी उतनी आवश्यक है। हम सामाजिक, हमारा जो सामाजिक परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उसका संयोजन करते हुए प्रगति के रास्ते पर सबको साथ लेके चलते हुए आगे बढ़ना, सामंजस्य बिठाना, प्रगति की तरफ बढ़ना। अभी जायसवाल साहब ने बताया कि राष्ट्रपति जी ने कुछ कहा है उनके व्यक्तित्व के बारे में, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, लेकिन मैंने पढ़ा कि जब हमारे राज्यपाल महोदय गुजरात के बीजेपी के प्रभारी थे तो नरेंद्र मोदी जी उनके साथ कई कई घंटे बहुत कुछ सीखते थे, समझते थे। आज वो प्रधानमंत्री हैं लेकिन सामंजस्य राज्यपाल महोदय के साथ स्नेह और भाव वही है, और वही भाव हम सबके साथ। हम लोग कुलपति हैं विश्वविद्यालय में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कार्य करते हैं, हमारे राज्यपाल महोदय नियमित रूप से हमको यहाँ पर सुपरवाइज करते हैं, हमें दिशा निर्देश देते हैं। तो जो उनका जो भाव है कि परंपरा एवं प्रगति का मिश्रण, वो निश्चित तौर पर अपनी जगह कायम है और वो इस निरंतरता को बनाए हुए हैं। पुस्तक बहुत ही रुचिकर है। हमारे जायसवाल साहब ने बताया कि इसमें जो टाइटल्स हैं, नई राहों के अन्वेषी, कर्मयोग के साथ ज्ञान योग, व्यवहारिक आर्थिक चिंतन, दरअसल ये जो बुक है ये गवर्नर साहब ने खुद नहीं लिखी, ये हमारे दो लेखकों ने उनके विचारों को जानकर, उनके व्यक्तित्व को जानकर, उनके सानिध्य में जो कुछ भी उन्हें समझा है उस तरह से इसको अभिव्यक्त किया। लेकिन काफ़ी हद तक इसलिए ये उनके व्यवहारिक पक्ष को ज़्यादा दर्शाती है, उनके भावनात्मक पक्ष को ज़्यादा दर्शाती है, उनके मानवीय पक्ष को ज़्यादा दर्शाती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई क्रोनोलॉजी सिर्फ घटनाओं की हो, बल्कि वो आदमी को बेहतर तरीके से किस तरह आगे लाभान्वित कर सके उनके अनुभवों से। हम सब लोग पढ़ के इस किताब के माध्यम से, उनके अनुभवों के माध्यम से ये जान सकते हैं कि व्यक्ति किस तरह से आगे बढ़ सकता है, व्यक्ति किस तरह से बड़ा बन सकता है। और ये निरंतरता हमारे राज्यपाल महोदय की जारी है, हम सबको उनका संरक्षण है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय ओम बिरला साहब की मौजूदगी, माननीय गहलोत साहब की मौजूदगी, डॉक्टर सीपी जोशी साहब की मौजूदगी और इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के का भावनात्मक जुड़ाव ये दर्शाता है कि हमारे गवर्नर साहब औरों से भिन्न हैं और इसलिए हम उनका बेहद सम्मान करते हैं। ये समीक्षा हो नहीं सकती, इसलिए सिर्फ प्रशंसा है, और प्रशंसा सही मायने में ये है कि उनकी निरंतरता है। और एक शेर के साथ में इसको समापन करूँगा कि कैसे ये निरंतरता को हम, क्योंकि उनकी जो यात्रा है जारी है, जीवन गाथा जारी है। और एक शेर है सर आपकी इजाज़त से कि कुछ इस तरह से चल, कुछ इस तरह से चल ए मीर कारवां के साथ, कारवां के साथ कुछ इस तरह से चल ए मीर कि जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले, जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। ये दास्तां चलाने की कोशिश है और हम सब उसमें पार्टनर हैं, हम सब लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। और हम आज के इस अवसर पर सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।